रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में बार बार न्यूक्लियर बम का बात किया जा रहा है। यहाँ तक कि रशिया ने न्यूक्लियर बम को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो चलिए मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। जब 1945 में अमेरिका और जापान के बीच तनाव चल रहा था तो मामला शांत होने के बजाय और भी बिगड़ती चली गई। और 6 अगस्त 1945 को अचानक अमेरिकी विमान ने सुबह 8:15 पर यूरेनियम से बना लिटिल बॉय एटम बम को जापान के हिरोशिमा पर गिरा दिया। और जैसे ही बम फटा वहां का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दोस्तों बम फटने का धमाका इतना भयानक था कि 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत के खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गया था। विस्फोट होते ही 80,000 लोग तुरंत मर गए थे। फिर 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से अमेरिकी विमान आया और जापान के नागासाकी पर फैट मैन एटम बम को गिरा दिया, जो 4050 kg का था। इसके फटने से बेहद दर्दनाक तबाही आया था। हमले के बाद नागासाकी और हिरोशिमा में मानो नर्क से भी बदतर सीन हो गया था। इस तबाही को देखने के बाद जापान घुटने टेक दिया और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पर ये तो 1945 का एटम बम था जो इतना ज्यादा तबाही मचाया था। लेकिन आज के दिन में जो एटम बम डेवलप हुए हैं वो पहले से कई गुना ज्यादा विनाशकारी है। दुनिया में अभी 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, इजराइल और उत्तर कोरिया है। एक रिसर्च के अनुसार 2020 में बताया गया था कि 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार है, जिसमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात है और 1,800 परमाणु बम हाई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दे 1,400 परमाणु हथियार में से 6,255 परमाणु हथियार रूस के पास है, जिसमें से 3 से 4 परमाणु बम को अगर रशिया यूक्रेन पर गिरा दिया तो यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन रूस और यूक्रेन के इस तनाव में नाटो संगठन दखल देता है तो रूस और भी भड़क जाएगा। और जैसे ही नाटो संगठन रशिया के तरफ बढ़ेगा, ये वार वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा। और जैसे कि आपको पता है कि अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो ये न्यूक्लियर वार होगा, और अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो धरती रहने लायक नहीं बचेगा। तो अच्छा होगा कि इस युद्ध को यहीं रोक दिया जाए।